दिखने में स्ट्रेट नजर आती है, ऐसा कहा जाता है कि ये सारी मीनारें जो हैं टेढ़ी हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अगर कभी भी अर्थक्वेक वगैरह आता है बाहर की तरफ सारे टावर जो है बाहर की तरफ गिरना चाहिए, ना कि इसके बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि अगर बिल्डिंग पर गिरते हैं ऊपर, जो उस जमाने में जो आर्किटेक्चर थे उसके, वो टर्की के रहने वाले थे मोहम्मद मास्टर ईसा पंथी, उनका कहना था कि इनकेस अगर भूकंप आता है फ्यूचर में तो सारे टावर बाहर गिरे, जो मैन स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा, तो इसलिए इसको ऐसा बनाया गया। में ये व्हाइट मार्बल मखराना सिटी से लाया गया, जो कि राजस्थान में एक सिटी है मखराना, अच्छा मखराना, उस जमाने में ये व्हाइट मार्बल लाया गया। इस मार्बल की खासियत ये रहती है कि मार्बल जो है हीट को जो है अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं करता, हमेशा ठंडक देता है, इसकी खासियत ही है। तो ये मार्बल लाया था राजस्थान से, मखराना सिटी राजस्थान से लाया गया था मार्बल। ये हम लोग कुछ और सुने थे कि मार्बल इंडिया का है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डिड सम वंडरफुल फोटोग्राफी करने के बाद, वो भाई साहब अच्छा फोटोग्राफी करता है, तो कुछ कुछ फोटोज मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, यू गाइस कैन हैव अ लुक। अच्छा है, एंड इंस्टाग्राम हैंडल यहीं पे आ रहा है, ऑन इज बाइक 390, प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो। शाही मेहमान खाना, उस जमाने में जैसे भी शाहजहां के जो गेस्ट आया करते थे उस टाइम यहाँ पर स्टैंड किया करते थे, ये वाला ना, ये वाला रेड एंड व्हाइट जो है, जो अलग पार्ट है। तो उस जमाने में क्या था कि केवल यहाँ पर, उस जमाने में भी ताजमहल जब शाहजहां ने बनवाया था, तो जब उनके गेस्ट हुआ करते थे वो सुनते थे कि इतना खूबसूरत एक महल बनाया शाहजहां ने, तो वो भी देखने आया करते थे यहाँ पर। जब भी वो देखने आया करते थे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वो फाउंटेन चालू करते थे, मैंने फाउंटेन के बारे में अभी बताया था ना, ऊपर से पानी वाटर प्रेशर देते थे, प्रेशर वाटर तो चलता था, तो उनके स्वागत के लिए इस तरीके का किया जाता था। तो वहाँ पर वो बैठ के मेहमानदारी चलती थी, क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि वो यहाँ पर रुकते थे नाइट में, नहीं ये नाइट स्टे करने के लिए नहीं हुआ करता था, नाइट स्टे करने के लिए आगरा किले के अंदर हुआ करता था। आगरा किला ताजमहल में ये अंतर है, ताजमहल एक मजोलियम है, आगरा का किला जो है एक महल है उनका रहने का, तो रहते वहाँ थे, ताजमहल एज ए मजोलियम उन्होंने बिल्ड किया। देखेंगे जैसे कि हमने ये शाही मेहमान खाना देखा था, उसी तरीके का सेम यहाँ पर जो है शाही मस्जिद है, जो कि उस जमाने में सबसे पहले शाहजहां ने मस्जिद को बनाया, क्योंकि वो सभी लोग मुस्लिम थे, शाहजहां वर्कर्स मैन आर्किटेक्ट, तो सभी लोग मुस्लिम थे, तो नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले उन्होंने मस्जिद बनाई ताकि वो नमाज पढ़ सके, उसके बाद सब कुछ बनाना स्टार्ट हुआ। ये ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम, जिनका नाम था अर्जुमन बानो, जो कि लोग उनके निकनेम से जानते हैं मुमताज़ के नेम से, मुमताज़ को ताजमहल बनने के बाद एक टाइटल दिया गया था मुमताज़ महल, तो उनका जो रियल नेम था वो था अर्जुमन बानो। तो क्या था कि उस ज़माने में जो मुमताज़ की डेथ हुई थी वो हुई थी बुरहानपुर के अंदर, तो शाहजहां से पहले ही मुमताज़ ने विश कर रखी थी कि अगर मेरी डेथ हो जाए, मेरे मरने के बाद एक महल बनाइएगा, उस महल में मुझे दफनाइएगा। तो क्या हुआ उस ज़माने में, मुमताज़ शाहजहां उस ज़माने में वॉर पे गए हुए थे बुरहानपुर के अंदर, तो मध्य प्रदेश में एक बुरहानपुर सिटी है, तो वहाँ पर शाहजहां की वॉर चल रही थी, तो वहीं पर ही क्या होता था कि अपनी वाइफ को साथ में ले जाते थे, क्योंकि उनको ये डर लगा रहता था कि अगर वो गैर, क्योंकि उस ज़माने में फ्लाइट नहीं थी कि आज गए और सेम डे में वापस लौट कर आ गए, उस ज़माने में घोड़े वगैरह यूज़ होते थे जाने के लिए, तो महीनों लग जाते थे, तो एक वॉर लड़ने के लिए अगर यहाँ से उस ज़माने में 200 किलोमीटर भी जाया करते थे तो पूरा महीने से ऊपर निकल जाता था, तो इतने दिन तक तो वाइफ को नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पर लेकर जाया करते थे, जहाँ वॉर होती थी उससे 2 या 3 किलोमीटर दूर उनके वो आलीशान खेमे बना लेते थे, तो आलीशान खेमे के अंदर उनकी वाइफ रहा करती थी, तो वहीं पर ही ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ की डिलीवरी चल रही थी, तो उसी डिलीवरी में 14 डिलीवरी में मुमताज़ का डेथ हुआ 1631 में, जब मुमताज़ की एज थी 39 साल की उम्र में, तो वहीं पर ही उनका डेथ हुआ। तो जैसे कि बाहर आपको दिखाया था सतुल निशा, वहाँ पर उनका कब्र है, तो शाहजहां ने उस ज़माने में सतुल निशा को एक जिम्मेदारी दी थी उस ज़माने में कि आपको जो है मुमताज़ की बॉडी वहाँ से लेकर यहाँ तक लाई आगरा तक, तो ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी, तो शाहजहां ने उनकी कब्र यहाँ पर बना दी। ठीक है, ओके। मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, लोग बोलते हैं कि ये ताजमहल कटवाने के, शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद हाथ कटा दिए थे, सब फेक स्टोरी है। क्यों फेक स्टोरी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप ताजमहल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। आज के जो छोटे छोटे मॉल्स होते हैं, शॉपिंग या थिएटर होते हैं कोई सी भी, उसको बनाने के लिए लेबर्स की ज़रूरत होती है या पहले आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट पहले, क्योंकि जब तक वो डिज़ाइन करके नहीं देगा या उनको समझाएगा नहीं, वो बना ही नहीं सकते। तो अब भी ये सोचिएगा कि अगर उस ज़माने में हम मान लेते हैं कि शाहजहां ने हाथ कटा दिए थे, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया, तो उस ज़माने में अगर शाहजहां उनके हाथ कटा देते, अगर जिसमें इतनी हिम्मत या पावर या मनी होती वो ताजमहल दोबारा बिल्ड कर सकता था, तो वो कारीगर भी ईरान से बुला सकता था।
ऐसा तो था नहीं कि पूरे ईरान के अंदर 20,000 लोगों की जनसंख्या थी, नहीं थी ना। तो रियलिटी ये थी इस कहानी के पीछे, मतलब ये थी कि उस ज़माने में जो शाहजहां ने आर्किटेक्ट के साथ एक एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट में ये बात हुई थी कि शाहजहां ने उनको इतना पैसा दे दिया था और कहा था कि आपको लाइफ टाइम तक बैठ कर खाना है, मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, आपको किसी को ये नक्शा या डिज़ाइन बनाकर नहीं देना। तो उस ज़माने में क्या होता था, जब भी कोई शाहजहां आर्किटेक्ट उस्ताद ईसा अफांदी के पास जाया करते थे, जो भी अपना पैगाम भेजा करते थे कि आपको ऐसे, तो ये शाही मस्जिद है और उस साइड पर जो है शाही मेहमान खाना है, और शाही मेहमान खाना या शाही मस्जिद को देखेंगे ये दोनों एक जैसा ही नजर आता है। इवन आप ताजमहल को भी देख लीजिएगा, ताजमहल को किसी भी साइड से देखेंगे, फ्रॉम 4 डायरेक्शन इट लुक सेम, आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे ये एक जैसा ही नजर आता है, इसकी खूबसूरती यही है। मोबाइल से टिकट निकाल के दे दिए, एवरी टाइम यू हैव टू शो योर टिकट्स, दिस इज द लास्ट, या तो यहाँ पे टिकट दिखाओ, जूते में ये पहनो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर गंदा नहीं होना चाहिए, सो दैट्स द रीज़न। यहाँ पे लास्ट टिकट जो एंट्री करने के लिए, अभी क्या है कि आप जो स्टोन्स के बारे में पूछ रहे थे ना, मैंने जैसे कि आपको बताया था वाइट मार्बल मखाना सिटी से लाया गया था, और जितने भी ऊपर जो कलरफुल स्टोन्स देख रहे हो ना, ये क्या है कि मतलब दिखने में पेंटिंग जैसा नजर आता है, ये सारा स्टोन का बनाया गया है एक्चुअल में। तो ये क्या है कि नाइट में जब शरद पूर्णिमा की नाइट जो होती है फुलमून, उस पर जब ये चमकते हैं सारे स्टोन, तो यही अभी भी चमकते हैं, और यही आउट ऑफ इंडिया से लाए गए थे उस जमाने में स्टोन। अभी तो हम ताजमहल देखेंगे, आपने डे लाइट में देखा, मैं बाहर आपको दिखाऊंगा एक मिनी ताजमहल, जहां पर आपको 3 व्यू देखने को मिलेंगे, सनराइज, सनसेट, फुलमून, ये चीज बाहर दिखाने वाला। इस तरफ यमुना रिवर है, और हम जब ही अभी अंदर गए थे, अंदर में एक जगह था जहाँ पे हम लोग को फोटोग्राफ अलाउड नहीं किया, जो शाहजहां और मुमताज़ के एक कब्र है, जो ओरिजिनल है वो तो नीचे है, ऊपर जो है वो रेप्लिका है, तो रेप्लिका हम लोग अभी देख के आए, बट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कम्प्लीट अलाउड नहीं था, अंदर लेके नहीं गया कैमरा, मैं रख के गया था कैमरा, रख के गया था, स्विच ऑफ करके देख गया था, बट दिस इज़ यमुना रिवर। यमुना रिवर देखने बहुत सुंदर है, बट पानी थोड़ा काला काला टाइप हो चुका है। So that's the beauty of Taj Mahal. ये जो location है, यहाँ से लोग ज़्यादातर फोटो खींचते हैं। Reason behind is that यहाँ पे लेडी डायना ने अपना फोटो खिंचवाया था, तब से ये जगह और ज़्यादा फेमस बन गया। अभी हो गया, हमने ताजमहल देख लिया, इसके आगे हम जाएंगे शायद आगरा, क्या बोलते हैं, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट और आगरा ये जाएंगे, वो देखने की कोशिश करेंगे अगर देखने का मौका मिले तो। हैंड सर, आप लोगों का वेलकम है इस आगरा फोर्ट में। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है, मैं टूर गाइड हूँ, ठीक है। आप लोग आगरा फोर्ट विजिट करने जा रहे हैं। इस आगरा फोर्ट को अकबर ने 1565 में बनाना स्टार्ट किया और 1573 तक अकबर ने इस पर काम कराया। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये फोर्ट कंप्लीट हुआ 95 इयर्स में, 1660 में जाके 95 इयर्स फ्रांस किया कर दी थी। और ये वाला जो पार्ट है ना, देखिए सर, हाँ, ये बहुत वेल डेकोरेशन था दीदी। हाँ, अकबर समय में इस गेट को अकबरी दरवाजे के नाम से, अकबरी दरवाजा, जहांगीर महल एंड अकबरी महल ना सर, देखिए। हाँ जी, ये 1764 में सूरजमल जाट ने शाहगरा फोर्ट पर आक्रमण किया था, रिवर साइड से बॉल कैनल से गोले दागे थे, तो पूरा बिल्डिंग ये डिस्ट्रॉय हो गया था। ये बिल्डिंग, ये वाला, ये अकबरी महल, अकबरी महल है, पूरा डैमेज हो गया। अच्छा, 1764 में, 1764, ठीक है। तो ये जो आक्रमण किया था वो सूरजमल जाट थे, भरतपुर के थे, यहाँ से 95 किलोमीटर है भरतपुर, भरतपुर, हाँ, जो वहाँ से आए थे महाराजा बच्चे सिंह थे ना, जो पार्लियामेंट में, उन्हीं का दादा जी। अच्छा, ये जहांगीर का बाथ टब है दीदी, जहांगीर का बाथ टब, हाँ, राजा मान सिंह ने उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ये सिंगल ब्लॉक पीस है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। मान सिंह मतलब जयपुर के, हाँ, जयपुर, मानसिंह वन ने गिफ्ट किया था। तो ये ना सर, उस समय जो गिफ्ट किया था, आउटसाइड और इनसाइड में गोल्ड का लेयर चढ़ा हुआ था, और गोल्ड खुरचवा के लेके निकलवा के लेके सूरजमल जाट,
पहले बाथ टब था सर, यहाँ नहीं रखा हुआ था, अकबरी महल के अंदर वहाँ रखा हुआ था, वो चबूतरा दिख रहा है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जब बिल्डिंग डैमेज होने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको जहांगीर महल के सामने शिफ्ट किया। तो इसमें तीन स्टेप बाहर हैं और तीन अंदर में। ये तीसरी थी मरियम, वो गोवा की रहने वाली थी। तो मेन एंट्रेंस पर सर तीनों सिंबल हैं, क्रॉस पर स्टार बने, तीन स्टार हैं, जीन्स है, लोटस हिंदू है, मेहराब कटिंग इस्लामिक है। अंदर में हम लोग पैलेस विजिट करेंगे ओनली हिंदू रिलीजन, मानवाई का पैलेस, शाहजहां की मदर का। बामुला का होशियार महाराज राजकुमार पधार रहे हैं। ये फोर साइड ये बिल्डिंग है ना, एक स्क्वायर में बना हुआ है। मुगलों के समय में कोई प्राइवेसी नहीं होता था, नो एनी यूज विंडो, दरवाजे नहीं होते थे, केवल पर्दे टंगते थे और लोग कारपेट पर सोते थे। ये उनका बेडरूम है मानवाई का, मानवाई का बेडरूम शाहजहां के मदर के। हाँ, ये सर डाइनिंग हॉल है उनका, खाना खाने के जगह है, डाइनिंग हॉल खाना खाने के। और ये टेंपल है उनका, मंदिर जोधा और मानवाई, प्रेयर ऑफ लाइक द मॉर्निंग। जोधा का हमने जो मूवी देखा था, जोधा अकबर। हाँ, जोधा उनकी बुआ थी मानवाई, मानवाई की बुआ थी। ओके, तब मिडिल में कृष्ण भगवान का स्टैचू होता था, बाकी आर्च हैं गॉड एंड गॉडेज। जब औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब ने स्टैचू यहाँ से सारे हटवा दिए। तो इसको रंग महल भी बोलते हैं सर। इसको रंग महल, इस एरिया को, इस एरिया को रंग महल बोलते हैं। यहाँ पर डांस हुआ करता था जब शाहजहां का बर्थडे मनाया जाता था। और ऊपर ऊपर तो ये छोटे छोटे आर्च बने हैं, यहाँ पर लेडीज बैठा करती थी, सर्वेंट लेडीज, और ऊपर टेरेस में रॉयल फैमिली रहा करती थी, यहाँ पर म्यूजिशियन और डांसर लेडी। तो उस समय लेडीजों को नाम से नहीं बुलाते थे, सीरियल से। अच्छा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी, यहाँ पर बुक डिस्प्ले रहती थी। और जहांगीर समय में दीदी सबसे ज़्यादा फेमस आर्ट था ना, कारपेट बनता था, सिल्क कारपेट। देखो कारपेट कैसे वॉल हैंगिंग बने हुए पत्थर में रहती है, ये ओरिजिनल कारपेट है अभी भी। कारपेट पत्थर में बनाया था कारपेट, अभी तो ग्लास लगा दिया होगा। देखो इसमें फाउंटेन उस समय वर्क करता था जब क्वीन एंड किंग यहाँ टहलने आते थे, तो उस समय कैसे फाउंटेन वर्क करते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था ना, पानी के टैंक थे ओवर द हेड, पानी का टैंक देखो ऊपर बना हुआ है वहाँ पर, वहाँ से पानी हल्का हल्का प्रेशर से आता था, हल्का ऐसे उड़ के अच्छा डाउन आता था उड़ के। सर पानी जब आता था ना इस एरिया में, तो ये जब ओवरफ्लो हो जाता था इसको ड्रेनेज कर देते थे, वाटर मोड़ के रखा था इस पार्ट के अंदर 7 ईयर्स के लिए। जब शाहजहां को अरेस्ट किया था, और मुमताज से पहले दो शादियां की थी शाहजहां ने, पहली फतेहपुरी बेगम, दूसरी शरंदी बेगम, थर्ड मुमताज। तो मुमताज मरने के बाद ताजमहल बनाना स्टार्ट किया 22 ईयर्स में। 22 ईयर्स के बाद शाहजहां एक हिमसेल अपने लिए ताज बनाना चाहते थे रिवर के साइड में, बैंक ऑफ यमुना, ब्लैक फाउंडेशन होना इस देयर, आज भी ब्लैक ताजमहल का उधर फाउंडेशन है। अच्छा, शाहजहां ने प्लान किया था वाइट कलर ताजमहल बरीड ऑफ मुमताज, सिंबल ऑफ लव, यानी वाइट कलर प्यार का प्रतीक होता है, ब्लैक कलर शोक का प्रतीक होता है। तो दोनों ताज को एक सिल्वर ब्रिज द्वारा कंप्लीट कराना चाहते थे, चांदी के पुल द्वारा। और हाँ, औरंगजेब का कहना था माई फादर इन द वेस्टिंग ऑफ मनी, यानी ब्लैक ताजमहल बनाएंगे, इस पर अधिक अधिक धन खर्च होगा, ब्लैक ऑनेक्स बनेगा, ऑनेक्स उस जमाने बेल्जियम से आता है। तो उस समय जो बड़ा बेटा होता था वो ही किंग हो सकता था, औरंगजेब से बड़े भाई जो थे एक छोटा था। औरंगजेब ने प्लान के तहत अपने तीनों भाइयों को मर्डर कराने के बाद अपने फादर को यहाँ अरेस्ट किया 7 ईयर्स के लिए यहाँ पे। हाँ, जब शाहजहां को अरेस्ट किया था, शाहजहां की उम्र 60 साल, आंखों की रोशनी कम होती, टावर से ताजमहल नहीं देख सकते थे। शाहजहां की जो बेटियाँ थी जहानारा और रोशनारा, जहानारा ने उनकी हेल्प के लिए इसमें छोटे छोटे डायमंड फिट कराए थे, जो डायमंड पे जब व्यू होता था। आखिरी बार ताजमहल देखा 1667 1667 में, इसी प्लेस के अंदर उनका इंतकाल हुआ, इसी जगह पे शाहजहां का इंतकाल हुआ इसी जगह। उनका बेटी जहानारा इसी पॉइंट से वाई अंडरग्राउंड पैसेज है रिवर जाने के लिए, उस पर रिवर के लिए लेके गया वाई बोट द्वारा ताजमहल।
शाहजहां का जो एक्चुअल बरियल है वो उनके बेटे ने नहीं किया, औरंगजेब ने, उनकी बेटी ने किया जहान आरा ने। अच्छा। और टेक वाला बरियल है वो औरंगजेब ने बनाया, ऊपर देखा होगा ना आपने। हाँ। वो औरंगजेब ने बनाया। ठीक है। यहाँ पे मीना बाजार लगते थे। यहाँ से कहते हैं ताजमहल बहुत बड़ा दिखता है, दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। मेरा इसका तो बैटरी फिर से डाउन हो गया आज, तो कुछ नहीं कर सकते गाइस, बैटरी डाउन है, तो विल हैव टू मैनेज विथ माय फोन। ये है नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद यहाँ पे। यहाँ से ताजमहल सच्ची में बड़ा दिख रहा है और ज़्यादा। विद दिस वी एंड आगरा फोर्ट। पूरा फिल्म रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। कौन सा पिक्चर? रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जोधा अकबर। जोधा अकबर यहाँ पे हुआ है। इस तरह का सेट है, देखो राइट साइड हिंदू बैठ अकबर समय में बहुत का है। जॉन रसल गॉल्विन का इंतकाल हो गया था कोलेरा से 1857 में। उस समय ब्रिटिश लोगों का रूल हुआ करता था, गरीब दफन कर दिया है। ये कैनर रखा है ना तू, ये ब्रिटिश समय का है। We are once again back on the Yamuna Express Highway. मेरे कैमरे का बैटरी डाउन हो गया था, बीच जगह पे आधा शूटिंग होते होते रुक गया था। सो नाउ टाइम इज समवेयर अराउंड 7 o'clock इन द इवनिंग और एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल यहाँ से 3-3.5 घंटा होना चाहिए। सो होपफुली मैं रात को 10 बजे तक विल रीच हूँ। अभी यमुना एक्सप्रेस में कुछ भी नहीं है, खाली सन्नाटा है। अगर कुछ कहीं पे खाना वाना खाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा वो दिखाएंगे, अदरवाइज आई स्ट्रेट अवे गो होम एंड एंड दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, सो दैट्स द रीज़न आई मेड इट इनटू पार्ट वन एंड पार्ट पार्ट वन वाज फॉर यू। आई हैव शोन यू द दिस ताजमहल एंड द पार्ट टू ऑफ आगरा फोर्ट। सीधा बॉस घर पे आया और मैं थक गया आके। हम लोग घर में खाना बना के खाए, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज हेल्दी टू हैव फूड एट होम। तो खाना बनाया, खाना खाया, और सिर्फ मैंने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाई और मेरे वाइफ ने बनाई। तो खाना खाया, अभी हम सोने जाएंगे बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड। आई एम नॉट दैट टायर्ड, बट माई डॉटर, माई डैड, माई मॉम इन दिस एज दे आर सपोर्टिंग मी इन दिस काइंड ऑफ ड्राइव, जो हेक्टिक वाला ड्राइव होता है। जाओ 200 किलोमीटर, टोटल किलोमीटर ड्रिवन वॉज समवेयर अराउंड 440 किलोमीटर्स है, 220 किलोमीटर आसपास में बोल सकते हो। आज का दिन बहुत बढ़िया गया, बहुत मस्त गया, आई इन्जॉयड अलॉट। थोड़ा गर्मी लगा था दोपहर को, सरदर्द करता था, अदरवाइज सो फार सो गुड। सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। इफ एन्जॉय दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। विद दैट सेड, राज साइनिंग आउट, डू टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई विल सी यू सून ऑन अ ब्रांड न्यू डे ऑन अ ब्रांड न्यू एपिसोड। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड एक और सरप्राइज है, अगले 10 दिन में एक बहुत बड़ा मेगा राइड या ड्राइव होने वाली है। सो कीप थिंकिंग मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। 10 days जस्ट मोर। बाय बाय, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।